प्रदेश भर में प्रदूषण फैल रहा है, कह सकते हैं दिल्ली नोएडा के बाद में हम हाथरस जिले के अंदर हैं। हाथरस जिले के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूं जो कचरे के हालात हैं, इसमें जो धुआं लगा हुआ है, मेरे साथी सब चाहेंगे कि इसे पूरा दिखा दें और क्या स्थिति बनी हुई है यहां प्रदूषण की, वो पूरी तरह से दिख रही है कि जो कह सकते हैं कि पालिका है उसकी तरफ से ये कहीं ना कहीं गंदगी को पूरी तरह से फैलाया जा रहा है। जो प्रदूषण कम होना चाहिए था उसको ज़्यादा किया जा रहा है और देख सकते हैं आप आग किस तरीके से लगी हुई है, धुआं फैलाया जा रहा है। यदि इंडेक्स ऐप की बात करें तो ऐप में भी सीधा सा दिखाया जा रहा है 349 इस समय वेरी पुअर कंडीशन है, यानी लोगों का सांस लेना दुश्वार हो चुका है। ये इसकी तरफ किसी न किसी को, सरकार को, समाजसेवी संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ कुछ लोग भी आ रहे हैं, जैसे उनसे भी हम जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ निकलना मैं नहीं समझता कि कहीं आसान होगा, क्योंकि लोगों को निकलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। हम जानना भी चाहेंगे लोगों से, आप जा रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? निशान शर्मा सर। ये प्रदूषण फैला हुआ है, क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत बेकार है यहाँ, जब भी निकलो यहाँ पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, कोई स्थिति सुधार में नहीं है। जब भी रास्ते में निकलूँ धुआं का सामना करना पड़ता है, खांसी वांसी सब होती रहती है, सांस लेने में तक दिक्कत हो जाती है कभी कभी, तो कभी जैसे रुक जाएँ, कोई कॉल वगैरह आ गई तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोई उपाय नहीं हो पा रहा है इसका अभी तक। यानी सीधा सा कह सकते हैं, हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं, आप भी यहीं लोकल निकल कर जा रहे हैं, क्या स्थिति है यहाँ से जा रहे हैं? बहुत दिक्कत हो रही है हमें सांस लेने में। अच्छा, बताया कि कुछ लोग भी बीमार होते हैं यहाँ, ज्यादा बीमार होते हैं। आप क्या कहोगे, क्या प्रदूषण की स्थिति है? प्रदूषण की स्थिति ये है कि यहाँ से निकलने में भी प्रॉब्लम होती है, स्कूल से आते हैं तो वो भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे भी निकलते हैं यहाँ से एनी प्रॉब्लम, और ये धूल भी है यहाँ, गाय भी है, गाय भी परेशान है, जैसे खा के इनको। पास में ही स्कूल भी है? हाँ स्कूल है पास, आगे ब्राइट स्कूल है, ब्राइट है, और पीछे भी स्कूल है, पीछे भी स्कूल है, पीछे जिम है, हम भी जिम के लिए जा रहे हैं फिलहाल। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि यहाँ से 100-200 मीटर दूरी पर ही स्कूल भी हैं, जिम भी हैं, पूरा नगर है, नगर के बीच में ये फैली हुई जलती हुई गंदगी साफ दिखा रही है कि प्रदूषण को पूरी तरह से और फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। 349 पुअर स्थिति यहाँ प्रदूषण की हो सकी है, एयर कंडीशनर जो है वो बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। कहीं ना कहीं अधिकारियों को और समाजसेवी संस्थाओं को इस ओर ध्यान देना होगा ताकि प्रदूषण से बचाया जा सके। हालाँकि कोर्ट ने आदेश दिया था पराली न जलाएं, लेकिन पराली के साथ किसान बेशक पराली न जलाए, लेकिन ये स्थिति बद से बदतर है। पीएन शर्मा, इंडिया न्यूज़, हाथरस।